गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. आई एम सर्वेश चंद्र यादव एंड आई एम ए मैकेनिकल इंजीनियर. एक्चुअली आई एम डीलिंग इन ऑन कंस्ट्रक्शन फील्ड एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट इंजीनियर. करंटली आई एम वर्किंग इन ओमान एंड बेसिकली आई एम फ्रॉम वाराणसी, उत्तर प्रदेश. एंड आई हैव कंप्लीटेड माई डिग्री इन 2015 इन अ मैकेनिकल इंजीनियरिंग. ओके एंड आई जस्ट वॉन्ट टू लर्न दिस कोर्स टू इनहेंस माई स्किल्स इन कंस्ट्रक्शन फील्ड. लाइक आई जस्ट वॉन्ट टू लीड माई टीम लाइक इन फ्यूचर. थैंक दैट्स इट. यू सर. थैंक यू सर. गाइस, या दिस इंट्रोडक्शन मींस इज बेसिकली व्हाई मैं क्या कर रहा हूँ. आई एम जस्ट ट्राइंग टू चेक योर कम्युनिकेशन. लाइक इफ योर कम्युनिकेशन इज वीक, आई जस्ट गिव यू द मैसेज की जस्ट यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बीआईएम सेक्टर. मैक्सिमम और कंपनीज आर इन एमएनसीज. ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई आर जस्ट ट्राइंग टू टेक योर फर्स्ट इंट्रोडक्शन, चेकिंग योर लेवल्स ऑफ द कम्युनिकेशन, देन लेट्स स्टार्ट द प्रिपरेशन. नाउ मिस्टर राहुल, वेरी गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. सर माई नेम इज़ राहुल सरदार. आई एम फ्रॉम जमशेदपुर. आई हैव कम्प्लीटेड सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम सिल्ली पॉलिटेक्निक रात मोरी एंड आई स्टे इन जमशेदपुर सर. ओके, एंड थैंक यू पास सो आउट मच. ईयर? पास आउट ईयर पास आउट ईयर 2018. थैंक यू सर. ओके. नाउ मिस्टर राजू चावन. राजू, आर यू एबल टू हियर? गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग ओके. एवरीवन. माय नेम इज राजू हनुमंता चव्हाण. आई एम फ्रॉम पुणे. आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन सिविल इंजीनियरिंग सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी. आई एम नेबर फॉर आवर सर. आई एम स्टे मांद्रे सर. ओके ओके ओके. थैंक यू राजू. नाउ मिस्टर हु इज देयर? विराज. मिस्टर विराज. हेलो. यस सर. यस विराज, जस्ट गिव अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन. हेलो सर, आई एम विराज भगवान ठाकरे. आई एम फ्रॉम धुलिया, स्टेट महाराष्ट्र. आई कंप्लीट माय सिविल इंजीनियरिंग डिग्री एंड आई पास आउट इन 2021. Sir, I am interested in joining BIM field because okay. I am interested in maybe AutoCAD. Looking job in BIM sector, right? That's good. Now, Mr. Vaishno. Vaishno, किसी के नाम गलत pronounce कर दूंगा, दिल पे मत लेना. पहली बार ले रहा हूँ. हाँ सर. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग Vaishno. गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग ऑल द माय फ्रेंड्स. आई एम वैष्णव चट फ्रॉम नागपुर महाराष्ट्र. आई कंप्लीटेड माय इंजीनियर बैचलर इंजीनियरिंग फ्रॉम RTMNU 2020 एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अपॉर्चुनिटीज इन BIM इंडस्ट्री. थैंक यू. यू पास आउट ईयर वैष्णव? 2020. ओके थैंक यू. नाउ शुभम इज डन. शिवराज. मिस्टर शिवराज. गुड मॉर्निंग सर. माय सेल्फ शिवराज लाखड़े. आई एम फ्रॉम नांदेड. नाउ आई एम फ्रॉम नांदेड. नाउ इन फाइनल ईयर एंड आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन बीम बिकॉज आई लाइक टू डिजाइन द स्ट्रक्चर्स. आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन प्लानिंग एंड डिजाइनिंग. यू पास आउट ईयर? फाइनल ईयर. नाउ फाइनल ईयर सर. 24 इज पास आउट. ओके ग्रेट. बहुत सही समय पर तुम कर रहे हो. गुड. थैंक यू सर. ओके जी. Now Rahul is done. Now Pawan. Mr. Pawan. Hello. Hello. Yes. Hello. Hi. Hello. Good morning, sir. Good morning, everyone. I am Pawan Kumar from Belgaum, Karnataka. I have completed my engineering from VTU University. I have passed out year is 2018, sir. Okay. And currently you are not working? No, currently I am not. Okay. Now Mayur ka ho gaya ka introduction? Yes, Mr. Mayur. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग एवरीवन. मायसेल्फ मयूर बनसोडे. आई एम फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र. आई डन सिविल इंजिनियरिंग फ्रॉम सेंगड अकॅडमी ऑफ इंजिनियरिंग
And after that, I work as graduate apprentice training in HPCL, and I now work as a I want to work as a beam engineer. You pass out here? My pass out year was 2022. 22. Okay. Thank you, Mayor. Now, Thank you, sir. Mr. Bobby. Bobby, again introduce yourself. Hello. Good morning, sir. Good morning. So first of all, thank you, sir, for giving me this opportunity. My name is Bobby Kumar. I am basically from Uttar Pradesh, Sonepur district. I did my graduation in last year in B.E. Civil Engineering, and I have done my diploma in 2019. Currently, I am pursuing B.M. professional course from Unix Civil. Your pass out year? Sir, diploma completed in 2019, and sir, B.Tech completed 2023. Okay, thank you. Thank you, sir. Okay, now Mr. Kunal. Mr. Kunal, introduce yourself, then we'll start about everything about BIM. Kunal, are you there? I think sabka introduction ho gaya. If someone is pending, please do comment ki sir mera introduction nahi hua. Sheikh Buran, you just went late. Just on your mic, Mr. Sheikh Buran, and just introduce yourself in short. Sheikh Buran. Hello, good morning, sir. Good morning. Yeah, my name is Sheikh Burhan Hussain. I have done bachelor's in civil engineering in 2018, and then I have done master's in structural engineering in 2020. Later on, I have worked for 2 years in civil engineering, and then I have started my journey towards the PhD. But due to some reasons, I have to leave the PhD by my side, and I want to focus more towards the BIM. And currently, I am doing my building information modeling master's at Michigan State University. But instead for that, some softwares which are not being included from there, I want to learn those softwares from here, UnixCL. I found this platform to be the best one in studying those softwares. So for that, I have chosen this platform. For the like Tekla structures are there, AutoCAD 2D is there, these some of the software which are not been included in that. So I have decided to study those softwares from here. Okay, thank you. Okay, this is the short introduction. जो इंटरव्यू का इंट्रोडक्शन होगा वो बड़ा होगा और बड़ा होने वाला है ठीक है. दिस इज द जस्ट शॉर्ट इंट्रोडक्शन कि वेयर वी आर राइट नाउ गाइस एंड किसका गैप कितना है. जस्ट आई वाज जस्ट ट्राइंग टू चेक द गैप्स एंड सेकंड थिंग हम चेक कर रहे थे कि योर कम्युनिकेशन लेवल, बिकॉज इंटरव्यू में यही दो चीज़ मैटर करती है ठीक है. ये तो आप फिक्स मानिए गाइस. नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू अबाउट द रूल्स. अगर कोई लेट आया है तो देख लीजिएगा. तो इंटरव्यू में दो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं गाइस. एक तो गैप, उसको फिल करने का बस एक ही तरीका है, योर नॉलेज लेवल. जितना ज़्यादा गैप है उतना ज़्यादा रेडी हो जाइए अपने पोर्टफोलियो का लेवल ऐसा हो ना, जैसे होता है ना कि कोई चीज़ अगर ऐसा है कि यार क्वालिटी है तो लेट भी चलता है, तो वो क्वालिटी डालना पड़ता है. पहली चीज़ तो वो रहती है. दूसरी चीज़, क्वालिटी आपके पास बहुत अच्छी है, मैं सब कुछ करा दूंगा जो इंटरव्यू को चाहिए ठीक है, वो सारे नॉलेज दे दूंगा जो कंपनी के लिए चाहिए, बट अगर हम उसको प्रेजेंट ही ना कर पाए तो सब मामला खराब हो जाएगा. इसलिए सेकेंड थिंग इज योर कम्युनिकेशन. वैसे मुझे ऐसा तो बहुत ज़्यादा किसी का नहीं लगा कि जो इंट्रोडक्शन भी देने में हिचकिचाए, मतलब इंट्रोडक्शन आप लोग दे पा रहे थे. दैट मीन्स कि ओके ओके है कम्युनिकेशन, कुछ लोगों का अच्छा भी था ठीक है. एंड क्या बोलते हैं, ओके 2021 में पास आउट है ठीक है. तो क्या बोलते, कुछ लोगों का काफ़ी अच्छा भी था. आशीष, आप लेट ज्वाइन किए, यू कैन जस्ट डू द मैसेज योर पास आउट ईयर एंड व्हाट यू डूइंग राइट नाउ. तो इस तरीके से आपको कम्युनिकेशन पे बहुत ध्यान देना है गाइस. ये पूरा जो आज हम लोग का एक इंट्रोडक्शन लेक्चर है, तो कुछ इसमें ओल्ड स्टूडेंट भी हैं, उनको पता है कि किस तरीके से क्लासेस होती हैं. सबसे पहला आपके पास गाइस ऑटो कैट का सॉफ्टवेयर होना चाहिए. क्या होना चाहिए? ऑटो कैट का सॉफ्टवेयर होना चाहिए. तो सॉफ्टवेयर आपके पास है या नहीं, वो जस्ट कमेंट कर देंगे तो बेटर फॉर मी टू डिसाइड द कि हाउ कैन वी गो नेक्स्ट. एक बार मैसेज करके फटाफट यहाँ पर चैट बॉक्स में डाल दीजिए कि यू हैव ऑटो कैट सॉफ्टवेयर, यस और नो. ओके,
ओके किसी पर नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, हम तो बताएंगे ही। आई एम जस्ट ट्राइंग टू चेक कि किसके पास है, अदरवाइज आज आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा ना, क्योंकि कल से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ओके एक राहुल के पास नहीं है, मयूर के पास नहीं है, अल्पेश के पास नहीं है। ओके और ठीक है, और ठीक है ये भी। हेलो, हेलो, या दिस इज सर्विस सर। यस एक्चुअली यस सर्विस। आई वाज सर लिटिल बिजी इन वर्कशॉप। व्हाट आर ओके ट्राइंग टू से दे लाइक अबाउट सॉफ्टवेयर, यस, जस्ट यू नीड टू ये नो द एक्चुअली बेसिस कि यू हैव ऑटो कैड और ऑटोकैड। नॉट। ऑटो कैड नो सही है सर, तो आई डोंट हैव। ओके दैट्स इट। ठीक है, आई विल जस्ट शेयर यू द गाइस लिंक। बस ये मुझे जानना है कि आपके पास ऑटो कैड है कि नहीं है। रीजन रीजन क्या है कि कल से जब हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो ऑटो कैड पर सॉरी प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा हमें गाइस। तो प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास ऑटो कैड होना चाहिए, तब तो हम सीखेंगे ना कुछ। ठीक है, तो इसमें पहला चीज तो ये है गाइस। दूसरी चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जहां पर स्टूडेंट लैग करता है, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी एक उसका फ्लो खराब होता है, दैट इज कंसिस्टेंसी गाइस। ये आपको खुद से कमिट करना पड़ेगा कि मिनिमम 80% आप अवेलेबल रहेंगे क्लास के अंदर। कोशिश करिए 100%, 100 नहीं होता तो 80% आपको क्लास के अंदर रहना है। अगर ऐसा आप कर लिए तो बिलीव करिए आपके अंदर खुद ही इंप्रूवमेंट दिखने लगेगा, क्योंकि ये मैं अभी भी कमिटमेंट दे रहा हूं आपको, दिस इज इन रिकॉर्डिंग राइट नाउ। तो आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू कि 80% से ज्यादा क्वेश्चंस जो आएंगे इंटरव्यू में वो अपने ही गुरुकुल के अंदर से आएंगे। मैं 100% भी बोल सकता हूँ, पर क्या होता है कभी कभी कोई इंटरव्यूअर कुछ आउट ऑफ द बॉक्स चला गया, ठीक है, तो अब उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते अगर कोई आउट ऑफ द बॉक्स जाने के मूड में है तो। अदरवाइज 80% क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे आपके गुरुकुल के अंदर से ही। वो भी जो मैं बता दूंगा कुछ फिक्स नोट्स वहां से पूछे जाएंगे, तो उसका टेंशन नहीं है। ठीक है, तो मेरे तरफ से आप प्रिपरेशन के लिए 100% श्योर रहिए कि अगर आप प्रिपरेशन के लिए बैठेंगे तो आप रिजेक्ट होके नहीं आएंगे इंटरव्यू से। पोर्टफोलियो के लिए मैं आपको बताऊंगा कैसे बनाना है, रेज्यूम मैं बताऊंगा कैसे बनाना है, अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा, इंटरव्यू कैसे देना है ये भी मैं बताऊंगा, बट इंटरव्यू देना कहाँ है वो आप जाके दोगे। ठीक है, डेफिनेटली इंटरव्यू मैं नहीं दे सकता आपका, लेकिन बाकी सारे चीजों में मैं आपकी हेल्प करूंगा। और ये गाइस अपना जो ये गुरुकुल का जो लाइव 1.5 घंटा चलेगा, ये 3 पार्ट में डिवाइड होगा। आप बोलो सर वो 3 पार्ट कौन कौन से होंगे? पहला जो 30 मिनट्स होगा वो आपका होगा कि उसके अंदर मैं आपको इंटरव्यू के टॉपिक्स डिस्कस करूंगा, जैसे कि अबाउट ऑटोकैड सॉफ्टवेयर हिस्ट्री, रेविट सॉफ्टवेयर हिस्ट्री, बिल्डिंग बाय लॉ, और क्या बोलते हैं FSI के बारे में, FAR के बारे में, कारपेट एरिया, बिल्ट अप एरिया के बारे में, BIM के बारे में, BEP के बारे में। इस तरीके से 4 महीने कंटिन्यू, स्टार्टिंग का 30 मिनट्स आप सिर्फ और सिर्फ हमें देंगे, जिसमें मैं आपको इंटरव्यू की तैयारी कराऊंगा टिल 4 मंथ। ठीक है, नेक्स्ट 30 मिनट्स जो होंगे गाइस वो होंगे, आप डेली आपको एक असाइनमेंट मिलता है गुरुकुल के अंदर, उस असाइनमेंट्स को चेक करने का वो 30 मिनट्स होता है। उस असाइनमेंट में जो भी आप गलती किए रहेंगे, आई जस्ट टेल यू दैट जो भी आपकी गलती है उसके अंदर मैं उसको ठीक करूंगा, प्लस बताऊंगा कि देखो इसको ऐसे ठीक कर लो, वो हमारा काम है। नेक्स्ट 30 मिनट्स मैं आपको देता हूँ। आप बोलो सर मेरा क्या काम है 30 मिनट में, क्योंकि आपको घर से 1 घंटे की रिकॉर्डिंग भी तो वॉच करके आना है, तो यू विल गेट सम डाउट्स। सेकेंड थिंग, वेन यू डू द प्रैक्टिस कुछ ऐसे डाउट्स भी होंगे जो बहुत ही अच्छे होंगे, दूसरों के लिए भी हेल्पफुल होंगे। अच्छी बात यह होती है कि पवन का डाउट सर्विस से मैच करेगा, सर्विस का डाउट मयूर से मैच करेगा, मयूर का डाउट वैष्णव से मैच करेगा। तो जब ये मैच करता है तो इससे क्या होता है कि आप दो पूछोगे, दो कोई और पूछेगा, दो कोई और पूछेगा, तो लास्ट का 30 मिनट पूरी तरीके से आपको दिया जाता है, जिसमें आप अपने जितने डाउट पूछने हो। अब वो 30 मिनट की भी मैं कोई लिमिट नहीं रखता हूँ गाइस। इट मे बी 10 मिनट्स, इट मे बी 40 मिनट्स, इट मे बी 50 मिनट्स, आपके जितने डाउट्स हैं आप अपने इंटरव्यू पूछिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से अपना गुरुकुल का ये 1.5 घंटा डिवाइड होता है। नेक्स्ट 1 आवर्स जो गाइस लाइव आप पढ़ोगे, और सॉरी रिकॉर्डेड पढ़ोगे, उसके बिहाफ पर कुछ आपको डेली बेसिस पर असाइनमेंट डेली मिलेंगे। ठीक है, तो यही यहीं पर गड़बड़ कर देते हैं लोग, जो कंसिस्टेंसी वाले लोग नहीं होते, या फिर जिसके अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन है, काम को टालने की आदत है, वो क्या कहेगा अरे सुबह कर लूंगा, अरे शाम को कर लूंगा, तब तक क्लास आ गई।
24 घंटे के अंदर आपको कर ही लेना है। बेटर जैसे आप ऑफिस से आए, जैसे आप घर पे हैं, तुरंत बैठ जाएंगे तो अच्छा रहेगा, फटाफट 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 कर लेंगे। बात करें क्या बोलते हैं और दूसरे इसके रूल्स के गाइस, तो 80% से ज़्यादा अटेंडेंस आप यहाँ पर मुझे अभी कमिट करेंगे चैट बॉक्स के अंदर कि आप कितना परसेंट अटेंडेंस मेंटेन करेंगे। चैट बॉक्स में फटाफट कमेंट करिए कि सर मैं इतना परसेंट आपको अटेंडेंस देने की प्रॉमिस करता हूँ। ईमानदारी से करना, उसको पूरा करना है क्योंकि वो रिकॉर्ड हो रहा है। और सेकेंड नियम भी आपको बता दूँ, 80% के नीचे अगर आपका अटेंडेंस रहेगा तो आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू द सर्टिफिकेट। आप बोलो सर सर्टिफिकेट क्यों नहीं देंगे आप? तो दोस्त सर्टिफिकेट इसलिए नहीं दूंगा, अगर आप कहीं पर भी जाते हो तो वहां पर सीधी सीधी बात है, कुछ नहीं बता पाते हो तो लोग बोलेंगे कहाँ से सीखा है, ये नहीं पूछेंगे तुमने क्या सीखा है, कहाँ से सीखा है। तो मैं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि हमने एक वेल रेपुटेटेड प्लेटफॉर्म बनाया गया इस, तो मैं नहीं चाहूंगा कि क्या बोलते हैं उसका नाम खराब हो। इसलिए देखिए आपसे मैं प्रॉमिस करा ले रहा हूँ, अभी रिकॉर्डिंग में प्रॉमिस करा ले रहा हूँ कि आपको 80% से ज़्यादा आपको अटेंडेंस मेंटेन करना है, ठीक है? 80% से ज़्यादा अटेंडेंस मेंटेन करना है। चलिए और क्या बोलते हैं, वावी बोल रहा है कि 95%, वेरी गुड, लेट्स सी। ये बोल रहे 90%, लगभग सभी लोग 80% के ऊपर का कमिटमेंट कर रहे हैं, और कुछ लोग कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं। भाई कुछ दाल में काला है क्या आप लोगों के? राजू जावन 100%, वाह क्या बात है। अगर 100% दे दिया तो आप समझो कि ये फिक्स मेरे तरफ से, मान लो कि 4 लाख के ऊपर आपका पैकेज रहेगा, ठीक है? 4 लाख के ऊपर पैकेज रहेगा, चलो ठीक है। और मेरे इस रूल से भी आपको कोई खिलाफत नहीं होगी। किस रूल से? 80% के नीचे मैं आपको सर्टिफिकेशन नहीं दूंगा गाइस, ठीक है? आई थिंक ये आपको अच्छा लगेगा कि हाँ चलो मेरे भी दिमाग पे प्रेशर रहेगा, ठीक है? बहुत बढ़िया शिवराज, मैं देखना चाहूंगा वैष्णव, ठीक है? और राजू, अगर क्लास मिस हुई तो मैं बोलूंगा कि आपने क्या वादा किया था, ठीक है? अपने यहाँ पर एक रूल होता है ना कि कथनी और करनी को मैच करना, ठीक है? मतलब जो बोलते हैं और जो करते हैं दोनों को मैच करना अपने आप में टास्क है। तो बेसिकली गाइस इस तरीके से आपकी पूरी ट्रेनिंग चलेगी। इसमें पहले हम लोग अपना ऑटोकैड से स्टार्ट करेंगे, फिर रेविट पे जाएंगे, फिर रेविट के बाद क्या बोलते हैं टेक्ला पे जाएंगे, फिर नेविस्वर पे जाएंगे, ठीक है? तो ये मेन हमारे जो मेन पोर्शन ऑफ द ट्रेनिंग रहेगा वो यहाँ तक रहेगा। उसके बाद इंट्रोडक्शन बेस पर आप स्केचअप का भी नॉलेज ले सकते हैं, आप चाहो तो डेप्थ में लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप 3ds Max का भी ले सकते हैं, बट इनको 100% देना। किसको? रेविट को, ऑटोकैड को, टेक्ला को, नेविस्वर को, इनको 100% देना, क्योंकि ये बीम के सबसे इम्पोर्टेंट जोन यही है, ठीक है? अब कई लोग सोच रहे होंगे सर बीम होता क्या है, ठीक है? फिलहाल हम लोग बीम का इंट्रोडक्शन अपकमिंग क्लासेस में करने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ। जस्ट वॉन्टेड टू नो वन थिंग्स, आई हैव वर्क एज अ स्ट्रक्चर। ओके ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं, आपके डाउट्स भी अभी आज ही लेंगे, ठीक है? आज से ही डाउट आप अपने पूछ सकते हो। तो बेसिकली गाइस क्या होता है कि जो भी चीजें आपने देखा होगा सोसाइटी वगैरह में, कभी ना कभी घूमने गए होंगे किसी ने किसी, तो अगर आपने सोसाइटी वगैरह में घूमने गए होंगे तो वहां पर आपने देखेंगे टावर्स रहे होंगे, स्विमिंग पूल रहा होगा, लैंडस्केपिंग रहा होगा, गार्डन रहा होगा, छोटा मोटा लाइक ऑडिटोरियम टाइप के कुछ रहे होंगे, ठीक है? और उसके बाद बास्केटबॉल का ग्राउंड रहा होगा, जिस लेवल के सोसाइटी में गए होंगे उस लेवल का आपने देखा होगा। उन सभी चीजों को अब हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे करेंगे, और जब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे करेंगे तो क्या होगा गाइस, उससे उनके एरर्स रिजॉल्व होंगे। मान लो आपने बहुत किसी बिल्डिंग में गए, उनका एलिवेशन ही अच्छा नहीं दिख रहा है, आप यहाँ पर एलिवेशन पहले से बना के रखे हो, आप किसी बिल्डिंग में गए आपने डायरेक्शन का ध्यान नहीं दिया, और कभी कभी ऐसा होता है कि उनके एक डायरेक्शन में सनलाइट ही नहीं आती है तो आप स्मेल होने लगती है, ठीक है? वो फिर अपार्टमेंट सही से सेल नहीं होते तो पूरा वो डायरेक्शन में प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पर आप पहले ही चेक कर लोगे कि सनलाइट कहाँ पर कितना और कब रहेगी, ये भी चेक हो जाएगा। आप देखे कि वहां का उनका गार्डन वार्डन अच्छा ही नहीं दिख रहा है, आपने यहाँ पर पहले ही लैंडस्केपिंग कर लेना। मतलब एक हम लोग 3D इंटेलिजेंट मॉडल बनाने चल रहे हैं, जिस मॉडल के अंदर ईच एंड एवरी डिटेल्स इंक्लूड रहेगा, ठीक है? ये है व्यायाम। बाकी अभी हम लोग एक एक करके आगे के क्लासेस में कल से पढ़ेंगे, लेकिन पहले आप अपने एक एक डाउट क्लियर कर लीजिए, फिर आगे चलेंगे। नाउ जैसे कि पहला डाउट इनका शायद आया हुआ है शेख बुरान का। यस बुरान, यू कैन जस्ट ऑन योर माइक प्लीज। बिल्कुल काउंट होगा, ठीक है? क्योंकि अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली, देखो किसी का भी एक्सपीरियंस होता है, अगर वो सच में एक्सपीरियंस है तो काउंट होगा, क्योंकि वो हेल्प करेगा,
कौन सी ऐसी चीज है जो हेल्प नहीं करेगी बताओ? इफ एनीथिंग यू लर्न, ठीक है, वो हेल्प करेगा, बस वहां पर जरूरत होती है ऐसे प्रेजेंट करने की कि भैया ये हेल्प कर रहा है। प्रेजेंट करते समय हम लोग मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है, प्रेजेंट करते समय मिस्टेक कर देते हैं। अगर मेरे पास इस समय पानी है और मैं जिम में जाता हूँ, जिम ट्रेनर बोलता है कुछ खाया पिया है, तो मैं बोलूँ तू पानी पिया है, बोलेगा पानी से कुछ नहीं होता, आपको तो क्या बोलते हैं उसको जो पीते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, पाउडर वगैरह, ठीक है, आपको तो ये पीना पड़ेगा। अब उसको ये सेंस आपको समझाना पड़ेगा कि बिना पानी के कुछ पॉसिबल ही नहीं है, कितने मिनरल्स है पानी के अंदर। मेरा पानी पीने का एक्सपीरियंस भी जिम में काउंट हो सकता है, बस तजुर्बा यहाँ पर ये होना चाहिए कि हम इस तरीके से उनको प्रेजेंट कर दें कि देखो भैया पानी में इतना ग्राम ये होता है, इतना ग्राम ये होता है, इसकी डेंसिटी इतनी होती है, 10 किलोमीटर पर मीटर क्यूब डेंसिटी होती है, तो ऑलरेडी हमारे पेट में गया हुआ है और ये हमारे बॉडी को एनर्जी देगा। अब ये हो सकता है एनर्जी कम दे ज्यादा दे, समझ गए? तो हर चीज का एक्सपीरियंस काउंट होगा। अब हैंड रेज करके आप अपने अपने डाउट्स पूछ लीजिए, कुछ डाउट होंगे आपको या कोई क्वेश्चन भी हो, क्योंकि ये एक इंट्रोडक्शन है इसीलिए मैंने संडे को रखा है कि आपके सारे चीजें क्लियर हो जाए, तो कल से आराम से चलेंगे हम लोग क्लासेस के अंदर। हैंड रेज करने का ऑप्शन है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हैंड रेज करने का ऑप्शन है, आप हैंड रेज करके एक एक चीजों का कर सकते हैं। जैसे कि पहले बॉबी का क्वेश्चन ले लेते हैं, हैंड रेज किया इन्होंने, फिर सूरज मौर्या का क्वेश्चन ले लेंगे। यस बॉबी, हेलो सर। यस बॉबी, सर वो एक वो ऑटोकैड में मेरे प्रॉब्लम आ रही है, वो मतलब बिल उस पे चल रहा है 30 डेज उस पे चलता है ना फ्री ट्रायल पे, करेक्ट तो वो करेक्ट। तब तब मैं उसमें कोड डालता हूँ, लास्ट में जाके वो एरर बताता है उस टाइम पे, वो अच्छा, जी फोर्स क्या गेट फोर्स करके आ जाते हैं ना इधर, वो लिंक कॉपी करके उधर डालना होता है, हाँ, वो हर बार एरर बता देता है। ओके, तो क्या बोलते हैं, हम सॉल्व करा देंगे, डोंट वरी, ठीक है। ओके सर, ओके, शिवराज जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? यस शिवराज बोलिए। हाँ सर, मेरा डाउट है कि हम भीम की जॉब मतलब ऑनलाइन कर सकते हैं क्या वर्क फ्रॉम होम? बिल्कुल कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग के फेज में थोड़ा लोग अवॉइड करते हैं 1 साल तक, ठीक है, बट लॉन्ग टर्म में आप बिल्कुल कर सकते हैं। स्टार्टिंग में क्या होता है कि क्योंकि आपको बहुत चीजें, देखिए कैसा होता है, कोई भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो, कोई ट्रेनिंग कंपनी हो, ठीक है, आपको एग्जैक्ट ऑन प्रोजेक्ट तक नहीं पहुंचा सकती है। बोलोगे सर क्यों? क्योंकि उनका एक सॉफ्टवेयर पर काम होगा, और हम लोग यहां पर कितने सॉफ्टवेयर कवर करते हैं 4 महीने में, समझ गए? हम आपको उनके पैरामीटर्स तक मैच करा देंगे, बट उनको चाहिए यहाँ तक, तो वो पहले आपको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करेंगे अपने काम के अकॉर्डिंग। जैसे कि तुम कहाँ से हो? नांदेड़ से सर, नांदेड़ नांदेड़ से हो, ठीक है महाराष्ट्र। ठीक है, अब तुम नांदेड़ से हो, ठीक है, कोई मान लो इसमें से राजस्थान से होगा, कोई अहमदाबाद से होगा, ठीक है, खाना बनाने का प्रोसीजर मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है, लेकिन देयर आर फिक्स, ये फिक्स है कि अगर आप नांदेड़ में जाएंगे तो वहाँ का जो एक महाराष्ट्रीयन स्टाइल होगा फूड बनाने का, थोड़ा सा ट्विस्ट होगा उसमें। आप अहमदाबाद में जाएंगे, वहाँ का थोड़ा सा ट्विस्ट होगा। राजस्थान में जाएंगे, थोड़ा सा खाना बनाना आपको आता है बेसिकली, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट होना कंपलसरी है, वो होता ही होता है हर कंपनी में। हर जो खाना बताया ना अभी आपको, आप केरला में चले जाइए, वहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट होगा, आप राजस्थान में चले जाइए, वहाँ थोड़ा सा होगा, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, कहीं पर भी चले जाएंगे, आपको थोड़ी थोड़ी ट्विस्टिंग खाने में नजर आएगी। तो इसलिए आपको शिवराज क्या होगा, स्टार्टिंग के कम से कम 1 साल मान के चलिए कि आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। फिर उसके बाद अभी तो काफी कंपनियां जो जो एक्सपीरियंस होल्डर हैं, काफी लोग अभी वीम में वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, समझ गए? यस सर, और सर ओके, अबाउट द आउट ऑफ कंट्री मतलब जॉब करना है तो दैट इज फ्रॉम वर्क फ्रॉम सबसे होम। बिल्कुल कर सकते हैं वर्क फ्रॉम होम। आउट ऑफ कंट्री वाले तो ज्यादातर तो प्रीफरेंस यही करेंगे कि आप वर्क फ्रॉम होम करें, बट आउट ऑफ कंट्री वाले भी ना थोड़ा सा ऐसे होते हैं कि देखो जितनी बड़ी कंपनी होगी उतना अपना कम टाइम लॉस करना चाहती है शिवराज, ठीक है, तो वो चाहती है कि आप कुछ एक्सपीरियंस लेके आए हमारे पास, ठीक है, तो जैसे आपके पास साल भर का एक्सपीरियंस हमारे साथ, 6 महीने हमारा, 1 साल उसका लेके जाते हैं ना, तो फिर उनके लिए इजी हो जाता है टू डिसाइड द वर्क कि हाँ यार इसको ये चीज आती है, बस थोड़ा सा ये ब्रश अप अपने कंपनी के हिसाब से कर देता हूँ, ठीक है। पूरी तरीके से वर्क फ्रॉम होम के चक्कर में नहीं पड़ना भी बेटर है, ठीक है, क्यों? क्योंकि जब आप कंपनी में जाते हो ना शिवराज, तो अभी मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस है तो मैं बता सकता हूँ बहुत अच्छे से, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है,
ठीक है, तो इसलिए वर्क फ्रॉम होम यस भी सर मिलता भी है, आप अपना प्रोजेक्ट कर भी सकते हो घर से बैठ के आराम से, फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट कर सकते हो। बट मेरा सजेशन रहेगा कि फ्रीलांसिंग बिल्कुल करो घर से आप, लेकिन ऑफिस में जाओ, वहाँ के कल्चर को फेस करो। आजकल हम सब कोरोना के बाद से ऐसा हमारा कल्चर हो गया है शिवराज कि हम लोग ना एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे। ठीक है, मेरे से बहुत से बच्चे मिलने आते हैं, मैं देखता हूँ कि वो प्रॉपर बात अपनी नहीं रख पा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें जॉब पर जाना चाहिए और वहां पर हमें सीखते हैं कि क्लाइंट से कैसे बिहेव करना है, क्लाइंट से कैसे बात करना है, मैनेजर से कैसे बात करना है, टीएल से कैसे बात करना है, एम्प्लॉय से कैसे बात करना है, एचआर से कैसे, मीन्स कम्युनिकेशन इंप्रूव होती है। इसलिए मेरा सजेशन रहेगा कि आपको कुछ दिन तक ऑफिस फेस करना चाहिए। ठीक है, यस सर। और और सर व्हाट अबाउट द पैकेज, मिनिमम पैकेज आफ्टर 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस? 2 इयर्स के एक्सपीरियंस पे तो मैं अगर बताऊं तो अभी कल हमारी एक स्टूडेंट है मनीषा चावन करके, वी कंस्ट्रक्ट सबको पता ही होगा, अगर पता है तो पुणे की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है। 6.7 का एक्सपी पैकेज उसको लगा, मतलब पहला साल उसका खत्म हुआ, पहला साल उसका जो था वो 5.2 था क्या शायद, अभी कल उसने फोन किया था। वी कंस्ट्रक्ट में 6.7 का पैकेज लगा 1 ईयर के एक्सपीरियंस में, लेकिन वहां तक पहुंचना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वहां तक पहुंचने के लिए मेहनत करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब सोचो कि ये मान के चलो कि अगले साल उसका, अभी वो मुझे बोलती सर कहीं पर जुगाड़ लगवा तो मेरा 10 लाख के आसपास पैकेज हो जाए। मैंने कहा इतना जल्दी अच्छी बात नहीं होती, आराम से चलो, सीखते हुए चलो। ठीक है, नेक्स्ट पैकेज तुम्हारा लग सकता है 8-9 लाख का लग जाएगा उसका, लेकिन अब उतना वो मेहनती है, इसका ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, उसका अटेंडेंस मेरे क्लास में 100% था, एक आध दिन नहीं हो तो बोल अलग की बात है। समझ गए शिवराज? यस सर, यस, थैंक यू। हाँ ओके जी, मिस्टर पवन सर, सर प्री रिकॉर्डिंग सेशंस कहाँ पे मिलेंगे? ब्रदर, वो अपने यूनिक्स सिविल ऐप में मिलेगा। ठीक है, ऐसा करिएगा एक लेक्चर वॉच ही कर लीजिएगा प्री रिकॉर्डिंग वाला, आज संडे है तो आपके पास समय होगा। आपको मैं बता देता हूँ, यूनिक्स सिविल ऐप में जाना है। ऐप में जाने के सर बाद वो लॉगिन कुछ तो बता रहा है? कुछ नहीं दिक्कत, लॉगिन नहीं हुआ क्या अभी तक आपका? नहीं, लॉगिन नहीं हुआ। आप क्लास के बाद कॉल कर लीजिएगा अंकित सर को, लॉगिन करवा दो। लॉगिन में कुछ नहीं, रजिस्टर करने का ऑप्शन दिया होगा ना, रजिस्टर, हाँ वही तो। बस रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करके जैसे उसके अंदर जाएंगे, आवर कोर्सेस करके ऑप्शन होता है, क्या होता है आवर कोर्सेस। ठीक है, आवर कोर्सेस में जैसे जाएंगे तो उसमें बीआईएम के कोर्स में चले जाइएगा, वहाँ पर ऑटो कैड में चले जाइएगा, और ऑटो कैड में जाके आप आराम से लेक्चर नंबर 1 केवल एक लेक्चर वॉच करके आ जाइएगा। स्टार्ट में कल ही से करने वाला हूँ, बट एक लेक्चर वॉच करके आ जाएंगे तो मेरे लिए भी अच्छा रहेगा। ओके सर। ठीक है, ओके। नाउ वैष्णव कुछ पूछना चाह रहे हैं। यस वैष्णव बोलिए। हेलो सर। हेलो। सर एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि जैसा मैं 2020 पास आउट हुआ हूँ, मैं प्रिपरेशन कर रहा था गवर्नमेंट एग्जाम का, पर अभी जो गैप करियर गैप पड़ा है तो हाँ वो चीज को जब मैं अप्लाई करूँगा कंपनीज के लिए, जब मेरा पूरा यहाँ पे कोर्स होने के बाद, तो वो चीज कैसे फेस करना चाहिए? कि हमारा एक्सपीरियंस और कैसे हो जाएगा, हाँ मतलब वो कैसे? 4 साल का करियर गैप जो है उसको कैसे मतलब कवर करना हाँ चाहिए? देखो, कर क्या रहे थे 4 साल में, रियलिटी क्या थी? सर गवर्नमेंट एग्जाम का गवर्नमेंट प्रिपरेशन जॉब, ठीक है, महाराष्ट्र। गलत तो नहीं कर रहे थे। ठीक है, बस आपको ये था कि हम गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम क्रैक कर ले, राइट है? तो हाँ एग्जाम की प्रिपरेशन करना कोई गलत तो नहीं है, है ना? तो पहले तो आप बता सकते हैं कि लास्ट 4 ईयर्स से आई वॉज जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स, इवन आई क्लियर सम एग्जाम्स ऑल्सो, बट आई जस्ट डिड नॉट क्रैक द कट ऑफ ऑफ द फाइनल एग्जामिनेशंस। आफ्टर दैट आई रियलाइज कि आई थिंक आई नीड टू मूव माई सेल्फ इन करेंट इंडस्ट्रीज, एंड देन आई फाइंड अबाउट बी आई एम, एंड देन आई जस्ट ज्वाइन द लाइक यूनिक्स सिविल फॉर गेटिंग द बी आई एम, फॉर लर्निंग द बी आई एम। फॉर दैट आई जस्ट स्पेंड माई 6 मंथ इन द इंटर्नशिप, एंड इन दैट इंटर्नशिप आई लर्न एवरी थिंग विच इज रिक्वायर्ड फॉर द कंपनी। अब वहाँ पे मैं बता दूंगा क्या क्या काउंट करवाना है, जैसे कि उनको बताना है बीईपी, बीआईएम, BIM 360, नेविसवर्क, ऑटोकैड, जो उनकी जरूरत है सब बता देने का। हमने 6 महीने में सीख के मैं आया हूँ। नाउ आई फील कि आई एम मेच्योर इनफ टू वर्क इन फॉर द बीआईएम, सो दैट आई जस्ट आफ्टर दैट आई जस्ट अप्लाई इन कंपनी, एंड नाउ आई एम हियर फॉर द इंटरव्यू। बस सिंपल बताना है। ठीक ओके है, सर। और एज अ मेरा करियर गैप है, तो जो जैसे आपने अभी बताया कि वो आपके एक स्टूडेंट है वी कंस्ट्रक्शन में जो लगे हैं, वो तो फ्रेशर्स लगे होंगे एन ए डिग्री बैचलर होने के बाद, पर जैसा मैं, उसका थोड़ा सा और गड़बड़ था वो कैरियर, लड़कियों का कैरियर थोड़ा सा मैनेज हो जाता है, उसका कैरियर तो बहुत ज्यादा मिसमैच था, वो जाने दो उधर।
नहीं पर एक्चुअली वो पास आउट एज अ फ्रेशर ही लगे होंगे, पर मेरा करियर गैप है तो मेरा उसका फ्रेशर स्टार्टिंग मतलब उसका स्टार्टिंग फ्रेशर ही पैकेज नहीं था, क्या उसका रहेगा? उसका बहुत ज्यादा गैप था। गर्ल्स का बहुत ज्यादा गैप होता है, जॉब करने को अलाउ नहीं है, मैटरनिटी लीव है और भी बहुत सी चीजें होती हैं, ठीक है? तो वो भी यहाँ पर हम लोग नहीं करेंगे। तो मतलब कुल मिला के जरूरी नहीं कि फ्रेशर्स ही हो, ठीक है, एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं, गैप वाले भी ले सकते हैं। यहाँ पर वैष्णो बस ये होता है ना कि कोई भी चीज से आदमी जब समझौता करता है तो क्वालिटी पर करता है, ये मानते ही होगे, सर ठीक है? तो क्वालिटी तुम्हारा कंपेयर टू अदर्स हाई होना चाहिए। अगर कोई बोलता है बोलता है ये चश्मा जो है ये 4 साल पुराना है, अगर कोई बोलता है तो, और फिर बोलता है कि इसका जो ये लेंस है ना ये 95% यूवी प्रोटेक्टेड है, आप चाहे कहीं पर भी चेक करवा लो, मैं समझौता कर लूंगा, 4 साल फर्क नहीं पड़ता, यस सर थैंक ठीक है? तो वो यू इम्पोर्टेंट सर है। ओके जी, नाउ मिस्टर ओमकार। हाँ सर, आपने बोला वो आपके ऐप पे जाके प्री रिकॉर्डेड वीडियो देखना है, तो हाँ उधर वो मैंने देखा, तो उधर कोर्स खरीदना पड़ेगा क्या? नहीं, वहां पर कंटेंट करके ऑप्शन दिया हुआ है। हाँ क्या, मैं हाँ उधर गया था तो उधर प्राइजेस वगैरह लिखे नहीं, थे। वो बाद में आपको रजिस्टर कर दे दिया जाएगा, वो आपके हाँ इसी गुरुकुल में ही हो जाएगा, ठीक है? वो हाँ जस्ट ठीक है सर, वहां से कर लो, ठीक है ओके सर। ना। और किसी का कोई प्रश्न रह गया है क्या, कोई गैस? ठीक है, हेलो सर, हाँ हाँ बोलो आप बोलो। ड्यूरेशन बता सकते हैं क्या? ऑटो कैड इतना दिन, उसके बाद रेविट वगैरह कुछ? देखो ड्यूरेशन आप पे डिपेंड करेगा, बट मैं एवरेज बता देता हूँ, ठीक है? एवरेज स्टैंडर्ड ये है कि 20 डेज के अंदर ऑटो कैड खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है? वैसे तो कई बैच में 15 डेज में भी लोगों ने कर लिया है। मैं भागता नहीं हूँ, मुझे आराम से चलने की आदत है, क्योंकि भागूंगा तो आप वीक पड़ जाओगे, ठीक है? लेकिन स्लो भी नहीं चलता हूँ कि मतलब कल रहा है तो 3 महीने तक ऑटो कैड, ऐसा भी नहीं हो सकता, ठीक है? तो एक स्टैंडर्ड है 20 डेज का ऑटो कैड का, लगभग 1 month, कभी कभी 35 डेज रेविट आर्किटेक्चर को ज्यादा समय देता हूँ, लगभग 15 दिन रेविट स्ट्रक्चर को, लगभग 10 दिन एमईपी को, लगभग 30 दिन टेक्ला को, लगभग 10 दिन नेविसर को, ये इसके स्टैंडर्ड है, ठीक है? अब ये मैं इसमें ये नहीं देखता हूँ कितने दिन हो गए, मैं ये देखता हूँ आपका परफेक्शन आ गया क्या, चलो मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट, ठीक है? तो मेरा पैरामीटर परफेक्शन है, बट आपने एवरेज पूछ लिया था, मैंने बता दिया। ओके सर, थैंक यू। ओके जी, और किसी का कोई प्रश्न है भाई, प्रश्न पूछ लो, आज इंट्रोडक्शन है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कल से आराम से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सर आपका हाँ क्वालिफिकेशन वगैरह उसके बारे में। ओके, मेरा है मास्टर्स है, ठीक है, और 8 ईयर का एक्सपीरियंस है मेरा, मैंने स्टार्टिंग बताया था एक्चुअली, शायद आप लेट ज्वाइन किए, तो 8 ईयर का एक्सपीरियंस है मेरा, मास्टर्स है, ठीक है, और मेरा खुद का फॉर्म है, ठीक है, प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है, अभी हम लोग अभी रजिस्टर्ड कर रहे हैं, 15 तारीख को थोड़ी सी आपकी छुट्टी भी होगी 1-2 दिन, तो हमारा एक न्यू फॉर्म रेडी हो रहा है, ठीक है? दैट इज प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म, वो पूरी तरीके से बीम कंसल्टेंट और स्ट्रक्चर कंसल्टेंट के लिए बन रहा है, ठीक है? उसके अंदर और भी सर्विसेज हैं, तो इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। पहले मैं फ्रीलांसिंग करता था काफी ढेर सारा मतलब जॉब के साथ, अभी ज्यादा रिकॉर्डिंग पे उसको इन्वॉल्व करना ठीक नहीं, क्योंकि वो लीगल नहीं होता है, किसी कंपनी में अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको क्या बोलते हैं नहीं बताना चाहिए कि आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, और करना भी नहीं चाहिए एक्चुअली, लेकिन रोजी रोटी का सवाल था, ठीक है? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए मास्टर्स के लिए, कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है? मास्टर्स की नीड नहीं है आपको, डिग्री इम्पोर्टेंट है, डिप्लोमा भी सफिशियंट है, याद रखें सबसे ज्यादा आज के टाइम में मार्केट जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है स्किल, ठीक है? व्हाट स्किल्स यू हैव, अगर स्किल्स नहीं है आपके पास, आप कुछ भी कर लें, आप पीएचडी कंप्लीट करके आ जाएं, ठीक है? डिग्री नहीं है, ठीक है? कहते हुए बड़ा बुरा लगेगा मुझे खुद, कि एक दोस्त बोलिए या थोड़ा सीनियर बोलिए, पीएचडी करके 25,000 की सैलरी पर जॉब कर रहे हैं, ठीक है? मैं उनकी यहाँ पर तौहीन नहीं करना चाह रहा हूँ, जस्ट बताना चाह रहा हूँ कि स्किल्स ना ऐड करने के डिसएडवांटेज ये हैं। अगर स्किल्स है तो सोचो, अभी मनीषा मैंने बताया 6.71 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है? उसके साथ पॉडकास्ट भी करने का प्लान है, देखो अगर समय मिलता है मुझे तो करता हूँ। तो कुल मिला के आप ये समझिए कि अगर आपके पास स्किल है, तो आज का जो इंडस्ट्री ना स्किल बेस्ड हो गया है, अभी लोग ये नहीं पूछते कि क्या कर रहे हो, मेरे पास जैसे एडिटर है, मैं एडिटर को बोलता हूँ अपना वर्क भेजो, मेरे को ये नहीं चाहिए तुम क्या किए हो, मेरे पास एक एडिटर 10th पास है, 10th पास। अब आप बोलोगे सर 10th पास वाले को आपने क्यों रख लिया, अरे मुझे उसको 10th पास से क्या मतलब है, मुझे उसकी एडिटिंग अच्छी लग रही है ना,
ठीक है, अभी मार्केट उस तरफ जा रहा है जहां पर स्किल्स की पूजा होती है, स्किल्स को ही वैल्यू दिया जाता है, और किसी को कोई क्या बोलते हैं जानकारी या फिर कोई इंफॉर्मेशन। ठीक है, कल से आप बस एक लेक्चर वॉच करके आ जाओ। कल हम पहले ऑटोकैड का इंट्रोडक्शन करेंगे, और इंट्रोडक्शन करने के बाद आपको कुछ टास्क देंगे। 2-3 दिन स्लो 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 चलेंगे, जिससे आप कंफर्ट में आ जाए अपना सॉफ्ट। हाँ, ये सॉफ्टवेयर के लिए मैं आपको लिंक भेजूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। किसी को इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम आएगी तो आप 6 बजे के पहले मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आई विल हेल्प यू फॉर दैट। कहाँ से जाना है गाइस, जिसके पास ये सॉफ्टवेयर नहीं है, इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ पर getintopc.com वेबसाइट है, यहाँ पर जाके जस्ट लिखिएगा ऑटो कैड 2020, गो कर दीजिएगा। 2020 बहुत अच्छा वर्जन है, इसलिए मैं इसको प्रिफर दूंगा आपको, और ये बड़ा भी नहीं है, हैंग भी नहीं करता लैपटॉप को। यहाँ पर दिया है हाउ टू इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर, वीडियो दिया है पूरा, यहाँ से आप इसका 1.5 GB का वीडियो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, और यहाँ पर दिया है इंस्टॉलेशन करने का प्रोसेस। इंस्टॉल करने के बाद कोई प्रॉब्लम आया आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोशिश करिएगा 6 बजे के पहले करेंगे तो मेरे लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, शिवराज का शायद कोई और प्रश्न है। यस शिवराज बोलिए। हाँ सर, मेरा डाउट है कि वो 3D के सॉफ्टवेयर के लिए ग्राफिक्स कार्ड कितना लगता है लैपटॉप में? देखो, अगर काम चलाना है तो 2 GB से काम चल जाता है, अच्छा चलाना है तो 4 GB है। नहीं, 4 GB में वो RTX 2050, 1650, 3050 वगैरह देखो, टाइप है थोड़ा ना? थोड़ा सा स्पीड बढ़ेगा उससे, बस RTX का ग्राफिक्स कार्ड होना ही सफिशियंट है। ठीक है, जितना लेटेस्ट रहेगा स्वाभाविक सी बात है उतना अच्छा चलेगा। तो क्वालिटी उसी ऊपर ज्यादा रहती ठीक, है। अब जो मेरा अभी इशू अभी है, मेरे मैं पास RTX 2050 का है। 2050 सफिशियंट है। हाँ, ठीक है, मेरे पास अभी NVIDIA हाँ, RTX 2050 में है। अब मेरे पास देखो GTX है, मैं देख रहा हूँ GTX है मेरे पास एनवीडिया का, ये भी सही है, अच्छा चलता है। ठीक है, तो मतलब ग्राफिक्स कार्ड होना इम्पोर्टेंट है, बट कोशिश करिए कि AMD या फिर एनवीडिया का हो तो अच्छा रहता है। ठीक है, ये वर्क अच्छा करता है, बाकी सीरीज तो जितना यस अच्छा सर, जाओगे उतना अच्छा मिल जाएगा, सो इसी बात है। ठीक है, यस वैष्णव बोलिए। यस सर, थैंक सर मेरा ऑटोकैड 2010 है, 2010 का। चेंज कर दो, बहुत पुराना हो गया, 15 के बाद का कोई भी वर्जन होगा तो चलेगा। ठीक है, ओके सर। 15 के पहले का ना, वो उसका ऑटोकैड का पहले का पैलेट याद होगा बहुत, तुम तो चला ही रहोगे, अलग है पैनल। ठीक है, हाँ तो वो पैनल थोड़ा सा रिलीवेंट कम लग पाता है अभी, क्योंकि जब मैं पढ़ाऊंगा तो पैनल मैच नहीं करेगा, है ना। ओके सर, ओके ओके, सर। बॉबी कुछ बोलना चाह रहे हैं। यस बॉबी बोलिए।